इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में आज जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक दो शिफ्ट में चली और दोनों शिफ्ट बैठकों में देखा गया कि पहली जो बैठक करीब 11 बजे शुरू हुई और उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद थे और उस बैठक में राष्ट्रीय परिषद से जुड़े, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो तमाम प्रांतों से जदयू के बड़े नेता मौजूद थे यहाँ पे। यहाँ तक कि बिहार के अधिकतर मंत्री, विधायक और सांसद भी यहाँ थे। और जब बैठक शुरू हुई उसमें करीब 45 से बात करें तो 45 से एक घंटे की जो बैठक हुई, इस बैठक में ये जरूर चर्चा बाहर निकल के आया कि नीतीश कुमार को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नवाजा गया है, उनको ताजपोशी हुई है और पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर रखी है। तो इसके पीछे एक साफ मंशा देखा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार को जो बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है, ऐसे में ये कवायद लगाए जा सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो इंडिया गठबंधन में बिहार मजबूती से रहे, एक स्थान रहे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर अमल किया जाए, उसको लेकर दिल्ली में जो फोकस आज रहा वो काफ़ी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा कि बिहार आज दिल्ली में क्यों है। तो बिहार दिल्ली में इसलिए था कि नीतीश कुमार दो दिन से यहाँ बिहार दिल्ली में है और अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, यानी कि आज दिल्ली में पूरा बिहार दिखा और बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश भी दिखा। तो आज हम जहाँ पे हैं मौजूद हैं, चूँकि आज मीडिया की बात करें तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया देखे गए। अवलेश कुमार सिंह स्वयं उत्तर प्रदेश के प्रभारी सरवण कुमार जो बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और ये भी माना जाता है कि सरवण जी जो है नीतीश कुमार के बहुत ही खास मंत्रियों में उनकी गिनती है, क्योंकि लगातार कई बार नालंदा से विधायक भी रहे हैं। तो अवलेश जी हमारे साथ हैं कि क्या आपको भी उत्तर प्रदेश की कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली है क्या? अब तो अभी तक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हो सकता है इससे भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सुबह हम लोग को बुलाया है और आज शाम को आप सभी का भी डिनर है, जितने उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं और पूरे देश के लोग आए हैं सबका शाम को संतोष कुमार कुशवाहा MP साहब के बंगले पर डिनर है, वहाँ भी हम लोग वार्ता होगी। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश वालों को बुलाया है, जिसमें काफ़ी तौर पे अच्छी भूमिका हम लोगों को भी जिम्मेदारी मिलेगी। कल की जो बैठक हुई सिर्फ उत्तर प्रदेश रहेगा? नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश का, तो पहली बैठक उत्तर प्रदेश की। आज फिर तो दूसरे शिफ्ट में आज क्या रहा फिर? और वही रहा कि भाई अब देश में जहाँ बुलाएंगे, जहाँ कहेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मैं रहूँगा। तो अभी नीतीश कुमार कल भी रहेंगे और कल की जो बैठक 10 बजे होगी उसमें उत्तर प्रदेश से नहीं, देश के हर राज्यों से लोग मौजूद रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और नीतीश कुमार उस बातों पे अमल करते हुए मिशन 2024 को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।